हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में लायंस क्लब इंटरनेशनल के पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर राजू मनवानी ने लायंस क्लब ऑफ नागपुर के सदस्यों के साथ बड़कर चौक स्थित लायंस के डायरेक्टर गिरीश व्यास के कार्यालय में भेंट दी। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ नागपुर की ओर से उनका पुष्प गुच्छ एवं शॉल देकर सत्कार किया गया एवं उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे आज बड़ी खुशी है कि लायंस क्लब ऑफ नागपुर जैसे सीनियर मोस्ट क्लब में मैंने भेंट देकर उनके सदस्यों के साथ चर्चा की। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर अध्यक्ष उमेश महतो, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, उपाध्यक्ष नरेश जुमानी, संचालक गिरीश व्यास, रमेश जसूरी, राजेश जिंदल, चेतन मारवा, नंदकिशोर अग्रवाल, नरेंद्र कौशिक, डॉक्टर महेश तिवारी, रजनीश जैन, विनोद गुप्ता, शरद जेजानी, ओम चौधरी आदि उपस्थित थे। वन बंधु परिषद महिला समिति ने सड़क के चौक पर चिलचिलाती धूप में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और जरूरतमंद लोगों को ताजा ताजा ठंडी ठंडी बड़े बड़े छाछ के पैकेट्स वितरित किए। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों को भी छाछ दिया गया। पैकेट्स पाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारीगण बहुत खुश हुए। इस आयोजन में अध्यक्ष मणि गोयनका, सचिव सीमा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनुसया अग्रवाल, साधना गनेरीवाल, पुष्पा गोयल आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक हुआ। सभी पुलिसकर्मियों ने समिति के पदाधिकारियों का आभार माना। माँ उमियाधाम सोसाइटी में श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी भवन का नागपुर के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडितों द्वारा वास्तु पूजन किया गया। भवन का निर्माण सामाजिक कार्य में भवन में आने वाले लोगों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 90,000 वर्ग फीट के इस भवन में 30,000 वर्ग फीट में लॉन का निर्माण किया गया, जिसमें 2 हॉल, 75 कमरे, 100 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग सुविधा का समावेश है। इस अवसर पर श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राधेश्याम सारडा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। कार्यकारिणी अध्यक्ष घासीराम मालू, सचिव राजेश बजाज, सहसचिव रामावतार तुतला, कोषाध्यक्ष मधुसूदन सारडा, प्रचार एवं संपर्क मंत्री सुधीर सोनी, सदस्य रामावतार हुरकट, श्रीनिवास काकाणी, रमेश पचीसिया, वासुदेव मालू, श्यामसुंदर परतानी, श्रीकांत सारडा, ब्रजगोपाल दरक, गोविंदलाल सारडा, नरसिंह सारडा, पूनमचंद मालू, नंदकिशोर बजाज, अनिल मंत्री, शरद सारडा, नीरज लाखोटिया, विजय सारडा, जगदीश बिहानी, संतोष काबरा, रमेश रांदड़, गोविंद पत्सारी, नरसिंह दास मंत्री, श्रवण कुमार मालू, सुनील मालू, जीवराज पटेल समेत कई सदस्यगण उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से फारूकनगर टेका शाहीनबाग ग्राउंड औलिया मस्जिद के पास रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर अध्यक्ष शेख वसीम लाला ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इफ्तार पार्टी में मुख्य अतिथि राकापा अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद विद्रोही थे एवं शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे भी सहभागी हुए। इस अवसर पर मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी, महासचिव अरशद सिद्दीकी, उत्तर नागपुर अध्यक्ष महेंद्र भांगे, सुनील लांजीवार, प्रदेश महासचिव वर्षा श्यामकुले, रमेश फुले, सूफी टाइगर, जाकिर शेख, शहर पदाधिकारी ब्रिजपाल सिंह साहनी, शहजाद अंसारी, माजिद अंसारी, शादाब शाकिर, इमरान खान, नागसेन वानखेड़े, समीर खान, प्रीति खांडेकर आदि उपस्थित थे। श्रीमद भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषण कर मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषि से शापित राजा परीक्षित को एक सप्ताह भागवत कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त हुई। इसी प्रकार महापापी धुंधकारी को भ्राता गोकर्ण द्वारा भागवत कथा सुनाने से प्रेत योनि से मुक्ति मिली। इस आशय के विचार महंत सुश्री प्रज्ञा भारती ने हनुमान मंदिर एजबिस्टेट सोनेगांव में जारी श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान व्यक्त किए। अपने संगीतमय प्रवचनों में प्रज्ञा भारती ने श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए कपिलोपाख्यान के माध्यम से बताया कि इसे परमहंस संहिता भी कहा जाता है। यह 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः श्रीमद् शब्द का विशेषण दिया गया है। इसमें 12 स्कंद, 135 अध्याय, 18,000 श्लोक है। इसके विधिपूर्वक श्रवण से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। डांगरा परिवार के सौजन्य से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह की सफलतार्थ संध्या डांगरा, आशीष डांगरा, प्रेरणा डांगरा, आंचल बंग, पवन बंग, दिनेश चांडक, महेश चांडक आदि प्रयासरत है। कथा का समय अपरांत 4 बजे से 7 बजे तक है। ज्ञान यज्ञ का समापन 4 मई को होगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से कथा श्रवण का लाभ लेने का निवेदन किया है। यूथ फोर्स फाउंडेशन की ओर से पवित्र रमजान के 27वें रोजे के अवसर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया।
राजनगर स्थित यूथ फोर्स के मुख्य कार्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी की अध्यक्षता संस्थापक अध्यक्ष मिक्की बख्शी ने की। पार्टी में उपस्थित रोजेदारों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इफ्तार के बाद उपस्थित लोगों ने स्नेहभोज का आनंद लिया। आपसी सद्भाव भाईचारे को मजबूत बनाए रखने की अपील मिक्की बख्शी ने उपस्थित लोगों से की। इस अवसर पर एडवोकेट तनवीर खान, डॉक्टर अफसर खान, डॉक्टर फारूक हसन, डॉक्टर याकूब, जमील अहमद, शब्बीर वली, बाबू तवक्कल, इजराइल अहमद, गुड्डू यूनुस, जावेद भाई, हिचकिल प्रेस वाला, समीर अलीम, बब्बू, शमीम, बबलू खान, जहीर, अजगर, मकसूद, शकील, अनवर, यूसुफ, एजी अंसारी, राजकमल, इमरान अली, अफजल असलम, हारून शेख, बंडू तलवेकर, किट्टू लांबा, राजेश बुकड़े, शशि कुल्ले, विश्वजीत बुंदाड़े, इंद्रजीत सिंह भोगल, दिलीप चौधरी, व्यंकटराव बेस्टी, धीरज सहारे, प्रशांत खाड़े, संतोष आमगड़े, निहाल अंबादे, देविदास सहारे, योगेश बागड़े, सौरभ सालवे आदि उपस्थित थे। ज्येष्ठ नागरिक महामंडल विदर्भ, हनुमाननगर ज्येष्ठ नागरिक मंडल एवं कमला नेहरू महाविद्यालय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल के संयुक्त तत्वावधान में हनुमाननगर स्थित गृहिणी समाज सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुमधुर गीतों का नजराना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सदाबहार गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमला नेहरू महाविद्यालय के छात्र नितेश चावरे, अदिति धुमकेकर, विजय लक्ष्मी जोशी, श्रेया भिसेकर व सौंदर्या बंगाले ने नए पुराने गीत गाकर बुजुर्गों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ नागरिक गीत संगीत में इतने खो गए कि उन्हें अपने बीते हुए दिनों की याद आई। वरिष्ठ सदस्य विकास तायडे, शालिनी वैद्य व लाचरवार ने अपने जमाने के गीत प्रस्तुत कर श्रोता वर्ग का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर सुनीता पारकर थी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन नेहा ठाकुर ने किया। संगीत विभाग प्रमुख प्रोफेसर प्रीति महाजन ने सभी बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक महामंडल के अध्यक्ष प्रभु देशपांडे, सचिव एडवोकेट अविनाश तेलंग, डॉक्टर लक्ष्मीकांत तुलनकर, विनोद व्यवहारे, चंद्रशेखर तिवाड़ी, डॉक्टर श्रीधर देशपांडे, हेमंत शिंगोड़े, प्रमोद अंजनकर, डॉक्टर दीपक शेंडेकर, श्याम पातुरकर, कपाटे सर आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ICAI के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि बढ़ती नियामक जांच और शासन मानकों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी CA के लिए व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करने की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ICAI के नागपुर प्लेसमेंट सत्र में इंटरव्यू देने वाले 58 उम्मीदवारों में से कुल 44 उम्मीदवारों को प्रस्ताव दिए गए थे और उनमें से 38 नए CA ने नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली। इन्फोसिस, ICICI, TCS, PwC, माउंट मेरू ग्रुप, कैप जेमिनी, हल्दीराम फूड्स और लॉर्सन एंड टूब्रो जैसे बड़ी कंपनियों में इस प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों की भर्ती हुई। यह पहली बार था कि नागपुर में नए CA की भर्ती के लिए 14 कंपनियों ने इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया और इस बार प्लेसमेंट के आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार करने वाले 38 CA में से उच्चतम CTC की पेशकश 22 लाख रुपए से अधिक की थी और इस ऑफर को 2 उम्मीदवारों द्वारा स्वीकार किया गया। अन्य उम्मीदवारों को तकरीबन 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष या उससे अधिक का वेतन पैकेज मिला। नागपुर शहर के तापमान में रविवार को 0.6 डिग्री सेल्सियस का बदलाव दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को लू से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हीटवेव की स्थिति बरकरार रहेगी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर ने पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति के कारण पीला अलर्ट जारी किया है। विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है। रविवार को अकोला में 45.5 डिग्री सेल्सियस, बुलढाणा तथा गढ़चिरौली में 43 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में 45 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस, ब्रह्मपुरी में 40.3 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल में 44 डिग्री सेल्सियस, गोंदिया में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिला और मनपा प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से निवारक उपायों का पालन करने का आह्वान किया है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,856 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 6,07,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 98,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें।
नागपुर महानगरपालिका की ओर से राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज की जयंती के अवसर पर शनिवार को मनपा मुख्यालय में टुकड़ोजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी और उपद्रव खोजी दल के सदस्य चंद्रशेखर चौहान उपस्थित थे। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र के एक महान आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने महाराष्ट्र और देश के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने पूरे भारत में आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रचार किया, इसलिए महाराष्ट्र की संत परंपरा में उनका बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने मोझरी में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की थी। नागपुर सुधार प्रन्यास में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज की 113वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के अपर आयुक्त अविनाश कातड़े के हाथों टुकड़ोजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर नागपुर सुधार प्रन्यास के महाप्रबंधक निशिकांत सुके, नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण की अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्ये, कार्यपालक अधिकारी अनिल राठौड़ एवं वरिष्ठ लिपिक बोरले सहित अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे। महावितरण द्वारा नारायण आमझरे के लिए विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष व ऊर्जा समिति के संयोजक फारूक अकबानी ने चेंबर की ओर से दुपट्टा व पुष्पगुच्छ देकर उनके कार्यकाल में व्यापारियों को सहयोग करने हेतु धन्यवाद दिया। साथ ही नए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ग्रामीण अविनाश सहारे का दुपट्टा व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। फारूक अकबानी ने नारायण आमझरे को उनके कार्यकाल में महावितरण द्वारा व्यापारियों को सहयोग करने हेतु धन्यवाद दिया। नए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ग्रामीण अविनाश सहारे से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में गर्मी का सीजन शुरू है। इस माह में रमजान, अक्षय तृतीया एवं अन्य त्यौहार आने वाले हैं तथा शादियों का सीजन भी शुरू है। उन्होंने बिजली विभाग को आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए लोड शेडिंग न करने एवं बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने का निवेदन किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष फारूक अकबानी, कार्यकारिणी सदस्य गजानन गुप्ता एवं सलीम अजानी ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी चेंबर के सचिव राव मंतार तोतला ने दी। VMB कॉमर्स, JMT आर्ट्स और JJP साइंस कॉलेज नागपुर में विभाग प्रमुख डॉक्टर SR चौबे और भौतिकी के सहायक प्रोफेसर एडवोकेट CJ ठाकरे, अध्यक्ष योगेश पटेल और प्राचार्य डॉक्टर MG चांदेकर को हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उनके नाम सॉलिड स्टेट लाइटिंग के लिए सिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ ट्रिवेलेंट सेरियम एक्टिवेटेड नोवेल ब्लू एमिटिंग फॉस्फर, यह पेटेंट दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया में यह पेटेंट दर्ज किया गया है। डॉक्टर चौबे एवं अन्य प्रोफेसरों की इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जमाते इस्लामी हिंद साउथ के तत्वावधान में सभी समुदायों की महिलाओं के लिए रमजान मिलन और इफ्तार मीट का आयोजन हज हाउस के पास गंजीपेट में किया गया। डॉक्टर शिरीन खान ने वजू का तरीका और उसके स्वास्थ्य लाभ बताए। अजान परिचय के अंतर्गत रुजन शेख ने अजान पढ़ी और मरियम शेख ने उसका अनुवाद करके समझाया। शफीकुन ने नमाज परिचय और सुमैया खान ने नमाज पढ़ के बताया। नमाज में पढ़े जाने वाले शब्दों का अनुवाद करके समझाया गया किस प्रकार नमाज में बंदा ईश्वर से बात करता है, इस पर प्रकाश डाला गया। जमाते इस्लामी हिंद नागपुर महिला विभाग की शहर अध्यक्ष डॉक्टर सबिया खान ने रमजान का परिचय देते हुए रोजे के स्वास्थ्य लाभ पर प्रकाश डाला और कहा कि रमजान एक भाईचारे का पर्व है। इस्लाम के बारे में फैलाई जाने वाली भ्रांतियों को दूर किया गया। इस कार्यक्रम में महिला पुलिस कांस्टेबल और सभी धर्मों की महिलाओं ने भाग लिया। शबाना शेख ने अतिथियों का आभार माना। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन अमरीन नाज ने किया। नॉर्थ वेस्ट जमात के तत्वाधान में रमजान मिलन इफ्तार मीट का कार्यक्रम झिंगाबाई टाकले के दारुस्सलाम हॉल में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूर्व नागपुर में विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में समाजसेवी मनोज अग्रवाल एवं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नंदनवन नागपुर में संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी के प्रयास से नागपुर महानगर पालिका लकड़गंज जोन में हर घर जाकर कचरा जमा करने वाले कर्मचारियों का मुफ्त स्वास्थ्य जाँच किया गया एवं उनमें दवाइयों का वितरण भी किया गया। मनोज अग्रवाल के प्रयास एवं संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर सूर्यवंशी के दिशा निर्देशों के अनुसार यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
डॉक्टर सूर्यवंशी ने सभी को जीवन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया और भगवान से सभी के बेहतर स्वास्थ्य की मंगल कामना की। शिविर में संस्थान के डॉक्टरों द्वारा खून की विविध प्रकार की जांच जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा घुटने के दर्द की जांच की गई और शंसमणि वटी वितरित की गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल के साथ हितेश जोशी व मनपा लकड़गंज जोन के अधिकारी आशिक बंसोड़ मुख्य रूप से उपस्थित थे। लकड़गंज जोन में घर जाकर कचरा जमा करने वाले कर्मचारी इस शिविर का लाभ लेने के बाद काफी उत्साहित नजर आए। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र वैष्णोदेवी चौक सीए रोड स्थित राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज की जयंती पर मनपा के पूर्व सभापति एवं पूर्व नगर सेवक प्रदीप पोहाने ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण व पूजन कर अभिवादन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल, उज्जवल गौरक्षण ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, भाजपा एनजीओ अध्यक्ष नरेश जुम्मानी, देशपांडे लेआउट समिति अध्यक्ष विनोद कोचर ने पुष्प अर्पित कर उनका अभिवादन किया। टुकड़ोजी महाराज का मूल नाम माणिक बंडोजी था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। वे आड़कोजी महाराज के शिष्य थे। टुकड़ोजी महाराज एक महान व स्वयं सिद्ध संत थे। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक और योगाभ्यास जैसे साधन मार्गों से पूर्ण रहा। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालबरडी, रामदीगी और गोंदोड़ा के बीहड़ जंगलों में बिताया था। यद्यपि उन्होंने औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक भावना और उसकी संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ही ज्यादा व्यापकता है। उनकी खंजड़ी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र बहुत ही अद्वितीय थी और उनके द्वारा उसे बजाया जाना अपने आप में अनूठा था। वे अविवाहित थे, परंतु उनका पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि जलापूर्ति योजना कार्यान्वित होने से कई वर्षों से चल रही पानी की समस्या दूर हो गई है। गांव वालों को दूषित पानी पीना पड़ रहा था, इसके साथ ही गांव के श्मशान भूमि की समस्या का निराकरण भी जल्द ही किया जाएगा। वे गोदनी रेलवे में जलापूर्ति योजना के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान जिला परिषद सदस्य कुंदा राउत, पंचायत समिति सदस्य रूपाली मनोहर, अपर्णा राउत, ज्योति राउत, दीपक राउत, के बिड़वाईकर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पहले गोदनी ग्राम में गोरेवाड़ा से पानी आता था। जनसंख्या बढ़ने से पानी की आपूर्ति अपर्याप्त हो रही थी। इस योजना के कार्यान्वित होने से अब नागरिकों को भरपूर पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को जनकल्याण के कार्यों में उतरना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास संभव होगा। गोदनी रेलवे पैरी अर्बन ग्राम पंचायत होने से यहाँ पानी के साथ ही सांडपानी व्यवस्थापन की ओर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए नियोजनबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जाने चाहिए। केदार ने कहा कि जिला परिषद द्वारा संचालित गाय व बकरी वितरण के पायलट प्रोजेक्ट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में अब ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की मंजूरी मिल चुकी है। डीआरएम ऋचा खरे ने परिचालन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से लंबी दूरी की सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा हावड़ा से आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग 2 से 3 घंटे तक कम हो जाएगी। अभी तक सभी यात्री ट्रेनें करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जबकि राजधानी और दुरंतों की स्पीड करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे थी। परंतु ट्रैक की क्षमता बढ़ाने के साथ ही ट्रेन की स्पीड भी बढ़ा दी गई है। किसी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को लेकर यदि किसी प्रकार की परेशानी सामने आ रही है तो उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। रेलवे की समय सारिणी कोविड संकट के कारण 2 साल से प्रकाशित नहीं की गई। इस साल जून जुलाई में समय सारिणी प्रकाशित की जाएगी। मंडल और जोन की ट्रेन पंक्चुअलिटी कमेटी अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजेगी, जिसके आधार पर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मन की बात में देश के लुप्तप्राय जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर अमृत सरोवर बनाने का विचार रखा था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर नागपुर जिले के काटोल के मेंढे पठार में 4 अमृत झीलों की भूमि पूजन के माध्यम से इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाएगा। मेंढे पठार में 4 सिंचाई तालाबों के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार और विधान परिषद के विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को मेंढे पठार में परियोजना का शिलान्यास किया।
सुनील केदार ने विचार व्यक्त किया कि इस क्षेत्र के गहरा होने से बड़ी मात्रा में पानी के भंडार का निर्माण होगा और इससे स्थानीय किसानों को बहुत लाभ होगा। चार अमृत सरोवरों का निर्माण मेंढे पठार सिंचाई झील, सोनखम झील और चंद्रभागा बांध पर किया जाएगा। इन सिंचाई तालाबों के कायाकल्प से इन सभी झीलों की सिंचाई क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 353 जे पर नागपुर काटोल सड़क परियोजना को 4 लेन बनाने के लिए मिट्टी का प्रबंध निर्माण कार्यों के दौरान खुदाई की गई मिट्टी से किया जाएगा। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।